गाइस जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे मेरे फोन के लिए एक अच्छा सा केस सजेस्ट करो स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले जो माइंड में मेरे केस आता है वो कैपोर केस ही होता है। कैपोर केस प्रोटेक्शन के लिए ही बने हैं, मुझे ऐसा ही फील होता है जब मैं इसे यूज करता हूँ। जब भी कैपोर केस किसी भी नए फोन के लिए आता है तो वो कुछ ना कुछ चीजें अपग्रेड करते हैं। तो देखते हैं Redmi Note 6 Pro के लिए कैपोर केस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस पैकेजिंग देख के आप समझ ही गए होगे, ये मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था। अगर आपको ये केस लेना होगा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, इस केस में जो कैमरा वाला पार्ट है उसको थोड़ा डीप किया गया है। जो प्लस माइनस और पावर की है वो एज इट इज सेम है पिछले वाले की तरह, जिसमें पावर की के ऊपर टेक्सचर्ड है वन प्लस जैसा फील आता है, जो वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर है बिल्कुल सेम वैसा ही फील आता है। फटाफट इसको हम लगाते हैं फोन में और देखते हैं कैसा लगता है फोन के ऊपर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फोन के ऊपर लगा लिया है ये। मैंने अपने Redmi Note 6 Pro में ऑलरेडी एक टेम्पर्ड लगा रखा है, उसके बावजूद भी ये केस जो है टेम्पर्ड से भी हल्का सा ऊपर है, इसकी जो बाउंड्री है वो हल्का सा ऊपर है, तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है, डिस्प्ले को भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और गाइस अगर ये टेम्पर्ड आपको लेना है तो इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वीडियो की, आप उसको टेम्पर्ड की रिव्यू भी देख सकते हो, अच्छा टेम्पर्ड है ये, आप ले सकते हो गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हो केस में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो कॉर्नर साइड में इम्प्रूवमेंट हुई है। कॉर्नर को हल्का सा और एक लेयर डाल दिया गया है, छोटा छोटा लेयर डाला गया है जिससे आपकी ड्रॉप प्रोटेक्शन हो जाए। इसके साथ ही साथ गाइस कैपोर केस में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि इनके जो कटआउट्स होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, उतने ही एक्यूरेट होते हैं जितना आप मी के ओरिजिनल केस में पाते हो। मतलब अगर नॉइस कैंसिलेशन का कटआउट है तो नॉइस कैंसिलेशन सेंटर में रहेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है गाइस। जल्दी केसेस में मिलती नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब टेस्ट करते हैं कि इस केस को लगाने के बाद जो चार्जर है वो कनेक्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा है कनेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो LED लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये चार्जर कनेक्टेड है और चार्ज हो रहा है। अब 3.5mm जैक भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो गाइस मैंने अपना सेनाइजर का हेडफोन लगा रखा है और कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कनेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे को कोई इशू नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं ग्रिप की। ग्रिप गाइस बहुत ही अच्छी है, ग्रिप मतलब एक हार्ड फील हो रही है और टेक्सचर्ड इसकी 3D है ही, और जैसा कि मैंने बताया कि पॉपअप कीज वगैरह बहुत अच्छी हैं, 3D फील आ रहा है यहाँ पे। तो इम्प्रूवमेंट यही हुआ है, कैमरा प्रोटेक्शन थोड़ी अच्छी कर दी गई है, कॉर्नर से जो बाउंड्री में जो लेयर्स हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, ग्रिपिंग अच्छी हो रही है। बात आती है क्या मैं केस ये आपको रेकमेंड करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये केस मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ, ये प्रोटेक्शन देता है फ़ोन को, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। कमी क्या लगी मुझे इस केस में, कमी ये लगी गाइस क्योंकि इसको जब आप लगा लोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हैवी हो जाता है, लगता है कि आपने ब्रिक पकड़ रखी है, इतना हैवी हो जाता है फ़ोन जो है, काफ़ी मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी गाइस जिस चीज़ के लिए केस होता है, जो लोग मतलब प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो आपको ये केस में मिल जाएगा। हाँ ये स्लिम केस नहीं है, ध्यान रखना ये स्लिम नहीं है, ये आर्मर्ड केस में ही काउंट होगा। तो गाइस इस केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मेरे से पूछना कमेंट करके, मैं सारे ही क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ भी ये केस अवेलेबल है मैं उन सारे जगह की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ भी सस्ता मिले वहाँ से लेना। तो गाइस यही थी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लेना। मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे हैं टेक फोर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।